क्षणमिह सज्जन संगति रेखा। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। मेरे जीवन का यह परम सौभाग्य रहा है और मेरा यह व्यक्तिगत विश्वास है कि मेरे करोड़ों जन्मों का पुण्य रहा है, जिस पुण्य के फलस्वरूप जीवन के लगभग 14-15 वर्ष मुझे बेलूर मठ में रहने का सौभाग्य मिला। उसमें सन 1972 से 1979 तक मुझे पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भी मेरा परम सौभाग्य था कि उनसे मुझे शास्त्र पढ़ने का भी सुअवसर मिला। उन्होंने कृपा पूर्वक हमें उपनिषद पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान योग जो कठिन ग्रंथ है, उसे भी उन्होंने हमें पढ़ाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने समय समय पर बहुत से उपदेश दिए। बेलूर मठ में जिस कार्य का दायित्व ठाकुर ने मुझे दिया था, उस कार्य के कारण उनसे बहुत संपर्क रहता था। महाराज काकुड़गाछी में रहते थे। मुझे मठ में कानून की दृष्टि से, जिसे मुख्तियार पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं, वो कार्य करना पड़ता था। हमारे प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज जी लोगों को कचहरी अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। उनके प्रतिनिधि के रूप में, मुख्तियार के रूप में वो काम मुझे करना पड़ता था। इसलिए निरंतर उनके संपर्क में रहने का सौभाग्य मिला। अभी भी उनका चिंतन करके, उनका स्मरण करके मेरा हृदय भर जाता है। यद्यपि वही गुरु शक्ति सभी गुरुओं के माध्यम से प्रकाशित हो रही है, किंतु प्रकाश में भेद है। जैसे वही विद्युत सभी बल्ब में, ट्यूब में प्रकाशित है, पर यहाँ जो बल्ब लगाया गया है उसमें प्रकाश विशेष है। हम जिनके संपर्क में आए उनसे उसका अनुभव हुआ। हमको तो कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है। जीवन में अनुभूति के बाद मनुष्य कैसा हो जाता है, शास्त्रों में थोड़ा बहुत लक्षण मैंने पढ़ा है। गीता के स्थित प्रज्ञ दर्शन में उसका उल्लेख है। 14वें अध्याय में भक्ति योग में उसका लक्षण है। त्रिगुणातीत में उसके लक्षण है। उपनिषदों में उसके लक्षण बताए गए हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चाश्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद। परम पूज्य भूतेशानंद जी महाराज इन सबके विग्रह थे। शब्दों से मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ और कोई नहीं बता सकता है। काकुड़गाछी में कई बार दीक्षा होती थी। जब मैं कभी अपने काम से जाता तो कभी कभी वहाँ दीक्षा हो रही होती। पूजनीय महाराज अपने कक्ष से काकुड़गाछी के मंदिर में जब प्रणाम करने जाते थे और प्रणाम करके वापस लौटते थे, तो उनकी ऐसी दिव्य मूर्ति होती थी कि उसको शब्दों से बताना कठिन है। उनको देखकर हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी और जड़ व्यक्ति के मन में भी शायद चैतन्य आ जाता था। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में जो लीलाएं की थी, उनका संग करने वाले मास्टर महाशय उन्हें आनंदमय पुरुष दिखते हैं, जिसका उल्लेख वे श्री रामकृष्ण वचनामृत में स्थान स्थान पर करते हैं। परम पूज्य भूतेशानंद जी महाराज को देखकर यह अनुमान होता है कि आनंदमय पुरुष कैसे होते हैं। आनंद का बाजार लगा रहता था उनके पास। काकुड़गाछी में भी सैकड़ों बार मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। बेलूर मठ में सुबह साधु ब्रह्मचारी जब प्रणाम करने जाते थे, तब मैं भी उनके पास जाता था। उनके पास 150-200 साधु लोग प्रणाम करने आते थे। वे कैसे आनंदमय पुरुष थे, उसका एक उदाहरण आपको बताऊं। वे बड़े विनोदी थे। शायद ये पिछले वर्ष की बात होगी। बेलूर मठ में हमारा एक सन्यासी है, उसकी ऊंचाई राजीव महाराज से कम होगी और चौड़ाई में राजीव महाराज से 4 गुना अधिक होगी। वो बहुत मोटा है। उसका नाम पार्थ महाराज है, सन्यास नाम भूल रहा हूँ। वो लड़का राजीव महाराज के उम्र का ही होगा। हम लोग प्रणाम करने जाते तो एक कोने में खड़े रहते थे।
वो भी एक कोने में खड़ा था। उस दिन मैं जाकर महाराज को प्रणाम किया और पार्थ के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां बहुत से साधु लोग खड़े थे। हमें देखकर बड़ा आनंद से महाराज ने कहा, आज गेंडे को पता लगा कि मेरे पास हाथी भी है। पहले तू ही ये समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, अब देख मेरा हाथी आया है। मैं पहले इससे भी अधिक मोटा था। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। मैंने उन्हें उस समय भी देखा जब उनका हृदय का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने हम लोगों को बता दिया था कि 50% बचने की आशा है, पर आपस में वे लोग जानते थे कि केवल 15-20% आशा है। 90-92 वर्ष की उम्र में हृदय का ऑपरेशन हो रहा है। हम लोगों को आश्वासन देने के लिए वे लोग कहते थे 50% आशा है। बंबई की ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हो रहा था। जब महाराज को उनके अस्पताल के कपड़े आदि पहनाकर ट्रॉली में ले जा रहे थे तो हम साधु लोग वहां प्रणाम करने के लिए खड़े थे। बहुत दुख हो रहा था, मन खराब था, आंखें भी भर आई थी। ट्रॉली में लेटे हुए उन्हें इंजेक्शन आदि लगा दिया गया। उनके सेवक लोग भी थे। उस समय महाराज हम लोगों से कहते हैं, अच्छा तुम लोग मुझे फेयरवेल देने के लिए आए हो, मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं फेयरवेल लेने फिर से आऊँगा। मैं फिर से तुम लोगों का स्वागत ग्रहण करने के लिए आने वाला हूँ। उनकी यह बात सुनकर आनंद भी हुआ। ईश्वर की कृपा से उसके बाद वे 6-7-8 वर्ष जीवित रहे। आध्यात्मिक दृष्टि। महाराज की एक आध्यात्मिक दृष्टि थी जो उनकी प्रत्येक चर्चाओं में झलकती थी। सन 1996 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं रायपुर से बेलूर मठ गया था। महाराज के चरणों में बैठकर उनके चरणों में हाथ घुमा रहा था। सेवकों ने उन्हें नए कपड़े पहनाए थे। मैंने कहा, नए कपड़े नया कुर्ता में आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वे कहने लगे, धोती भी नई है, गंजी बनियान भी नई है। मैंने कहा, बहुत अच्छा। बड़े प्रसन्न थे। फिर वे मुझको अपना हाथ दिखाकर कहने लगे, देखो ये पुराना हो गया है, अब इसको भी बदलना पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं महाराज, अब ऐसा लगता है कि उस समय उनका यह संकेत था। इसी साल 1998 जून के थोड़े दिन पहले की बात है। वहां कुछ भक्त आए हुए थे। वे प्रणाम कर रहे थे। महाराज को माला आदि पहनाकर बैठाए थे। उन्होंने सेवक को बुलाकर कहा, अरे तेरा कैमरा कहाँ है? सामान्यतः कभी ऐसा हुए कहते नहीं थे। सेवक ने कहा, हाँ महाराज है, तो लाओ, फिर यह मौका नहीं मिलने वाला है। जो फोटो वोटो लेना है ले लो। तो उनको जाने का आभास तो था ही। जिसका जो न्यायोचित अधिकार है उसे पहले दे दो। उनके जीवन की कुछ विशेषताएं थीं जो शरद महाराज के जीवन में देखने पढ़ने को मिलती हैं। वे उनके भी जीवन में थी। काकुड़गाछी बहुत पुराना आश्रम है। महाराज वहां रहते थे। भक्तों ने कुछ जमीन दे रखी थी। वहां से बहुत दूर सुंदर वन में लगभग 200-300 एकड़ जमीन थी। उसके कुछ मामले मुकदमे थे। जब कम्युनिस्ट सरकार आई तो बहुत तंग करने लगी। काकुड़गाछी की वो सारी जमीन थी, उसमें जो आए उससे निपटना पड़ता था। बहुत कष्टप्रद जगह है वो। मैं वहां गया हूँ। बस में 2 घंटे जाओ, फिर बड़ी नौका में 6-7 घंटे जाना पड़ता है। दोनों ओर घने जंगल हैं। शेर भालू कब आ जाए पता ही नहीं। पैदल जाना पड़ता है। मैं वहां जाकर सब कुछ देखा, लोगों से बातचीत की और वापस आकर विस्तार से महाराज को बताया। महाराज ने मुझे कहा, तुम तो कानून पढ़े हो, जानते हो, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इसको छोड़ सको? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं गया था व्यवस्था देखने के लिए कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई करें, कैसे यह हमारे मठ की संपत्ति रहे। उन्होंने कहा,
देखो हम लोग कौपिनधारी सन्यासी हैं, वृक्ष के नीचे रहना हमारा आदर्श है। वे लोग गरीब हैं, इतने साल से वे लोग वहां खेती कर रहे हैं, क्या तुम उन लोगों की कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते? मैंने कहा, आपका आदेश हो तो करेंगे। उनके आदेश से मैंने जो लोग उस जमीन में खेती करते थे, यानी जो वहां नौकर थे, वो सारी जमीन उन लोगों को देने की व्यवस्था करने लगा। पूज्यपाद गंभीरानंद महाराज तब रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के महासचिव थे। महाराज ने कहा, गंभीर महाराज से बात करो, उनको हमारी यह इच्छा बताओ। मैंने गंभीर महाराज को ये सब बातें बताई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा भूतेशानंद जी ने कहा है। उसके बाद वो लाखों की संपत्ति हम लोगों ने उन किसानों को दे दी। कम्युनिस्ट सरकार चाहती थी कि इनको बदनाम करे, किंतु उनको भी आश्चर्य हुआ कि ऐसे ये लोग हैं कि लाखों की संपत्ति गरीबों को बांट दिया। इतना ही नहीं, जिन गरीबों के पास रजिस्ट्री करने का पैसा नहीं था, वो पैसा भी हम लोगों ने दिया। यह कार्य पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज की उदारता और कृपा से हुआ था। यह है रामकृष्ण संघ का आदर्श जो उनके जीवन में अवतरित था। हम 3 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होते, लेकिन महाराज ने कई एकड़ जमीन गरीबों में वितरित करवा दिया। इसी संदर्भ में महाराज ने एक बात और कही थी जो हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। महाराज ने कहा था, देखो तुम किसी को देकर संतुष्ट नहीं कर सकते, किंतु एक बात का ध्यान रखना, जिसको न्यायोचित ढंग से जो मिलना चाहिए, जिसका न्यायपूर्ण जो अधिकार है, उसको उसके मांगने के पहले दे देना। ये गांठ बांध कर रखने वाली बात है, गृहस्थों के लिए और सन्यासियों के लिए भी। व्यवस्था में मनुष्य ले देकर सौदा किया होता है, पर जब भी अवसर मिलता है फिर छीन लेना चाहता है। जय श्री राम कृष्ण।